हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। सुबह हो चुकी है और अभी मेरा जो है किचन का काम शुरू हो गया है और मैं चावल चढ़ा दी हूँ और आज मैं बनाऊंगी डोसा। डोसा का बैटर ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ था फ्रिज में, कल ही लेकर आए थे और चावल जो है मेरा लगभग पक चुका है। तो दोस्तों चावल जो है, चावल का माड़ जो है मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं डोसा बनाने की तैयारी करूंगी। और ये देखिए अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:30, मतलब 7 बजने वाला है और मैंने लगभग इधर का सारा काम निपटा लिया है। तो दोस्तों मैं माड़ निकाल रही हूँ और माड़ निकालने के बाद आगे का काम हम लोग शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों माड़ निकल गया है और देखिए चावल को निकालने के बाद एक बार चावल को हिला दीजिए तो चावल जो है वो अच्छा बनता है, मतलब गीला नहीं होता है। ऐसे पुराना चावल जो रहता है वो गीला नहीं होता है, नया चावल आप बनाएंगे तो उसे गीला होने का जो है चांस बहुत रहता है। और इधर देखिए हमने बना दिया है दाल, दाल आ चुकी, बनेगा पूरा साउथ इंडियन डिश। चावल तो बन चुका है, सांभर बनेगा और इडली की तैयारी भी हो रही है, तो आज पूरा साउथ इंडियन हम लोग खाना खाएंगे। तो दाल पहले हम लोग बना लिए हैं, सांभर बनाने से पहले आप दाल बना लेते हैं। तो देखिए दाल मेरा जो है बन गया है और अभी मैं इडली की तैयारी कर लेती हूँ। तो इडली के लिए देखिए पानी जो है हमने पहले से चढ़ा दिया है, पतीला में पानी जो है गर्म हो रहा है और ये इडली का बैटर मैं निकाल लेती हूँ पहले एक पतीले में, छोटा पतीला, जितना बैटर ज़रूरत है उतना मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद बचा हुआ बैटर वापस फ्रिज में डाल दीजिए। ये बैटर जो है डेली बेसिस पे आपको जैसे दूध पैकेट में मिलता है वैसे मिलता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और थोड़ा ये गाढ़ा रहता है तो अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, आपको अगर डोसा बनाना है तो थोड़ा पतला बैटर बना लीजिए, इडली बनाना है तो थोड़ा गाढ़ा रहने दीजिए, या फिर उत्तपम बनाना है तो उत्तपम भी आप बना सकते हैं। ये रेडीमेड आपको मार्केट में इधर साउथ में मिल जाता है, नॉर्थ में तो नहीं मिलता है लेकिन साउथ में जो है मिल जाता है। तो आप घर पे भी बना सकते हैं लेकिन रेडीमेड बना हुआ कम मिल जाता है। तो देखिए इडली का बैटर लगभग हो गया है तैयार और ये देखिए इडली स्टैंड मेरा तैयार है और उधर पानी भी मेरा गर्म हो रहा है। तो इडली स्टैंड में पहले क्या करना है आपको, पहले थोड़ा सा आप लगा लीजिए तेल, कोई भी तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल, मूँगफली का तेल, तिल का तेल, जो भी तेल आप खाते हैं आपके किचन में है। तो ये मेरे पास मूँगफली का तेल है, मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। आप देखिए एक एक करके आप सारा इस पर लगा लीजिए और उसके बाद इडली उस पर डाल दीजिए तो इडली चिपकेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों हमने इडली का पे डालना बैटर जो है शुरू कर दिया है, सारे में तेल लगाकर पहले रख लिया था और एक एक करके देखिए इडली इस पर मैं बैटर डाल दूंगी। देखिए स्टैंड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है मेरा, तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ। और बैटर जब डालते हैं तो थोड़ा कम ही डालिए तो क्या होता है, नहीं तो बैटर जो है बाहर निकल जाएगा और इडली जो है फूलता है थोड़ा तो बाहर जो है निकल सकता है, तो थोड़ा कम ही डालिए। और देखिए हमने सारा ये डाल दिया है और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको डालने के बाद जो पानी गर्म है उसमें इसको सीधे उसके अंदर डाल दूंगी। पानी जो है डालने से पहले पानी जो गर्म रहता है तो इडली जो है तुरंत बन जाता है, नहीं तो पानी को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक बैटर का फैलने मतलब फैल जाता है। तो अभी देखिए मैं ढक्कन, पतीला में ढक्कन भी लगा दी हूँ और मेरा इडली जो है वो बनकर हो रहा है तैयार। और इधर मैं फ्रूट्स निकाल ली हूँ, अमरूद जो है वो पक चुका है। और ये देखिए साग, आज साग भी मैं बनाऊंगी, ये 2 दिन पहले ही हम ला कर रखे थे तो पहले साग हम बना लेते हैं जब तक मेरा इडली बनता है। तो देखिए साग मैं निकाल ली हूँ और साग में पत्ता जो है कभी कभी ख़राब रहता है, कीड़ा लगा हुआ रहता है, तो जब साग बनाते हैं तो उसके पहले आपको थोड़ा सा चुनना पड़ता है, साग का डंडी निकालना पड़ता है, पत्ता एक एक करके चुनना पड़ता है। तो मैं जब तक मेरा इडली बनता है तब तक मैं साग जो है बना लेती हूँ दोस्तों। और देखिए मेरा साग जो है काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि ये जो होता है अच्छा होता है। तो मैं बना ली हूँ साग, साग मेरा बन चुका है और इधर देखिए मेरा इडली भी अभी बनकर हो गया है तैयार। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बन गया है। और तब तक मैं गया ये इंडक्शन को ऑफ कर दी हूँ। इडली थोड़ा सा जब उसमें कुछ सीक डालकर देखिएगा तो अगर वो चिपकता नहीं है अंदर उसमें कुछ, तो समझिए आपका इडली जो है बनकर हो गया है तैयार। तो इडली मेरा बन गया है और इधर देखिए मेरा बैटर जो है मैं फ्रिज में डाल दी हूँ। बाहर चार्वी को डोसा पसंद है तो डोसा के लिए बैटर मैं निकाल ली हूँ और बाकी बचा हुआ डोसा जो है वापस डाल दी। और बारहवीं सुबह सुबह उठ गई और उसे लगाए भूख और देखिए वो इतना बड़ा चोको लेकर आई है, तो वो चोको अपना दिखा रही है। मैं उसे पहले दूध चोको दे देती हूँ क्योंकि वो आजकल बहुत सुबह सुबह उठ जाती है और उसे भूख लग जाती है। तो देखिए दोस्तों मेरा चावल पक्के हो गया है तैयार, बार भी चोको भी ले ली है और ये साग जो है मैंने बना लिया था। तो अभी साग को मैं धोकर साइड कर लेती हूँ, उसके बाद साग भी मुझे बनाना है, चावल भी बन गया, इडली भी बन गया है और सांभर की मुझे तैयारी करनी है। तो दोस्तों चलिए सांभर बनाते हैं।
सांभर का दाल जो है मैंने पहले ही कुकर में उबलवा लिया था। तो दोस्तों ये मज़े की बात है कि चावल दाल आप बनाते हैं तो ढक्कन अगर निकालते हैं तो तुरंत पानी से उसे वॉश कर लीजिए, नहीं तो वो सूख जाता है। दाल एक बार सूख जाता है तो उसे फिर से फुलाना पड़ता है, तो जैसे ही ढक्कन हटाते हैं उसे एक बार धो लीजिए तो वो आराम से छूट जाता है। तो देखिए मैं धो ली हूँ और दाल को निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, और ये जो पतीला है इसी में मैं बनाऊँगी कुकर जो है हांडी कुकर, उसी में मैं बनाऊँगी अपना सांभर। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और देखिए तुरंत जो अगर इसको साफ़ कर दीजिएगा तो इसके अंदर कुछ चिपकता नहीं है, मतलब धुल जाता है अच्छे से, सर्फ साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं पहले पानी से धो ली हूँ और अभी मैं कर रही हूँ सांभर बनाने की तैयारी। तो सांभर बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारी सब्जियों की ज़रूरत होती है। देखिए सारी सब्जी जो है, देखिए मैंने कद्दू लिया है, कोहड़ा लिया है, झींगा लिया है, बैंगन लिया है, जितना सब्जी आप है आपके घर में उतना डाल सकते हैं सांभर में, कोई दिक्कत नहीं। तो सारा सब्जी हम एक एक करके काट लेते हैं, आलू भी डालना है, प्याज भी डालना है, तो सारा सब्जी देखिए काट लेते हैं, उसके बाद सांभर बनाएंगे। देखिए दोस्तों सब्जी जो मेरा है कट चुका है और बचा हुआ जो छिलका सब्जी का है जो उसको मैं इधर डाल लेती हूँ इधर, और उसको डस्टबिन में मैं डाल लेती हूँ, नहीं तो ये जो है पैर पर जो है वो फैल जाएगा। तो देखिए दोस्तों मेरा सांभर जो है अभी मैं सांभर बनाने के लिए तैयार हूँ। और देखिए दोस्तों बीच में मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी, तो देखिए सांभर मैं कुकर में बना रही हूँ। तो सांभर बनाने के लिए आपको सबसे पहले डालना पड़ता है फोड़न, उसमें आप करी पत्ता डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, सूखी मिर्च डाल सकते हैं, जीरा राई सारा जो है डाल सकते हैं आप, अदरक भी डाल सकते हैं, और साथ में सारा सब्जी, देखिए हमने लगभग सारी सब्जियाँ जो है डाल दिया है इसमें, और उसको अच्छे से चलाना है, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। आलू डाला है, प्याज डाला है, बंदा गोभी था वो भी डाल दिया है, तो लौकी डाला है, कोहड़ा डाला है, देखिए और जो भी सब्जी बचा हुआ है सारा सब्जी हम इसमें डाल देते हैं और इसको मिक्स करके हम लोग इसका सांभर बनाएंगे। सांभर बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब्जी ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा थोड़ा भूनेंगे तो भी चल जाता है। और ये देखिए सांभर में हम पहले डाल देते हैं सारा मसाला, मसाला में जो भी है नॉर्मल मसाला, नमक आपको चाहिए, हल्दी चाहिए, जीरा पाउडर और गोलकी पाउडर जो भी है, काली मिर्च पाउडर वो भी हम डाल देते हैं। नमक डाल देने से क्या होता है पानी जो है सब्जी छोड़ देता है, तो अभी पहले सबसे पहले नमक डाल देते हैं ताकि नमक जो है पानी अच्छे से छोड़ सके सब्जी, और इसको मतलब फ्लेम को लो रख के पकाना है, नहीं तो सब्जी जो है अंदर चिपक जाएगा तो सब्जी जो है आपका अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट जो है सांभर का ख़राब हो जाएगा। ऐसे आप जो पहले बहुत लोग क्या करते हैं सब्जी को ही उबाल लेते हैं उसके बाद तड़का लगाते हैं, तो ऐसे जो सांभर का टेस्ट है वो अच्छा नहीं बनता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो सांभर जो है काफ़ी अच्छा बनता है, और 12वीं 4वीं को तो सांभर जो है काफ़ी पसंद है। तो आज पूरा जो है हम लोगों का साउथ इंडियन ही बनेगा। तो देखिए नमक डाल दिया है हमने और अभी हल्दी डालेंगे और इसको ढककर थोड़ी देर इसको पकाएंगे। दोस्तों मेरा सांभर जो है लगभग बनकर हो गया है तैयार, और 4वीं 12वीं भी स्कूल जा चुकी है। और देखिए इडली इधर मेरा बन गया, इधर मैंने पनीर था जो उसको फ्राई करके रख दिया है, और सांभर देखिए मेरा बन गया था, और देखिए इतना बचा है, 4वीं 12वीं भी खा लिए हैं सब, लंच भी सबका पैक हो गया है और सब स्कूल भी चली गए और 4वीं 12वीं के पापा ऑफिस भी चले गए हैं, तो बचा हुआ खाना जो है अब मेरे लिए है। तो देखिए दोस्तों ये सारा खाना जो है अब मैं नाश्ता करने के लिए जा रही है, सांभर है, इडली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों आप भी अपने घर पे सांभर इडली इस तरह से बना सकते हैं, इडली का बैटर किस तरह से बनाया जाता है वो भी मैं एक वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए और आप भी नाश्ता ज़रूर कर लीजिए।